एमिटेड बाय अ स्टार इज, आपको क्या गिवन है इसमें, लैम्डा एम की वैल्यू गिवन है कितनी, 289.8 नैनोमीटर, 9 मीटर। आपको इसमें क्या गिवन है, निकालना क्या है सबसे पहले, एंड रेडिएशन इंटेंसिटी ऑफ द स्टार इज इक्वल टू व्हाट, तो यानी कि रेडिएशन इंटेंसिटी का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये आपको निकालना है। क्या ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी है, कुछ मेंशन नहीं है, एमिसिविटी भी नहीं गिवन, तो आप इसको ट्रीट करोगे लाइक अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। अगर एमिसिविटी गिवन होगी तो एनी बॉडी, नहीं गिवन तो परफेक्टली ब्लैक बॉडी, तो यानी कि स्मॉल ई, और ऑब्वियसली ब्लैक बॉडी के लिए इट शुड बी कैपिटल ई नॉट इज इक्वल टू सिग्मा इन टू टी रेज टू पावर 4। आपको क्या निकालना है इसमें, आपको इसमें वैल्यू निकालनी है ई नॉट की, आपको क्या चाहिए, टेम्परेचर। अब लैमडा जब मैक्सिमम होता है तो ये वैल्यू क्या आती है, वेन्स कॉन्स्टेंट, तो इसमें वेन्स कॉन्स्टेंट की वैल्यू क्या लिखवाई थी मैंने, 2 × 10⁻³, ऐसे था कुछ। तो यहां ये वैल्यू पुट करके क्या आएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर जो भी आएगा उसको यहां पुट करेंगे, और स्टीफन कॉन्स्टेंट लिखवाया था 5.67 × 10⁻¹, तो यहां से आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर आ रहा है ए। अच्छा गिवन है तो अच्छी बात है। देखो द रेट ऑफ रेडिएशन ऑफ अ बॉडी इज ई वॉट्स, तो मुझे एक चीज पता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया क्या होता है, परफेक्टली ब्लैक बॉडी के लिए ये होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम क्या होता है, वॉट्स। तो इसमें पहला केस, इसमें कितने वॉट्स गिवन है, ये वैल्यू ई गिवन है, एरिया मान लो ए है, सिग्मा इंटू टेम्परेचर की वैल्यू कितनी गिवन है, 0 °C, तो 0 + 273 ⁴⁴, इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट में ई की वैल्यू हमने निकालनी है, ई डैश, एरिया बॉडी का सेम, लेकिन टेम्परेचर कितना है, 273 ⁴⁴, इन्हें डिवाइड कर लें, एरिया से एरिया कैंसल, आंसर जो आ रहा है वो 16 × ER है। मेथड समझ में आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर तो बी हमने लास्ट टाइम कर ही लिया था, जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4,
देखो इसमें जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें क्या गिवन है, टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 50%। तो पहले टेम्परेचर T1 है, 50% हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया तो कितना हो गया, 150 बाय 100 इंटू कितना T1 हो गया। तो एनर्जी E2 T2 raised to power 4, E1 T1 raised to power 4, तो यहां से T2 बाय T1 की रेशियो पुट करो और हमने क्या निकालना है, परसेंटेज इंक्रीज की वैल्यू निकालनी है क्या होगी। तो एक काम करते हैं, रादर एक काम करते हैं, इसमें ना 1 माइनस कर लेते हैं दोनों साइड्स में से। तो जब 1 माइनस करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली चेंज इन एनर्जी बाय ओरिजिनल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी, T2 4 माइनस T1 होल्ड टू पावर 4 बाय T1 होल्ड टू पावर 4। तो यहां से आपके पास ये आपको निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे परसेंटेज चेंज इन एनर्जी, और इसकी रेशियो T2 बाय T1 आपको मालूम है, T1 बाय T1 क्या होता है 1, तो T2 बाय T1 जो भी होगा पुट करके आपका 400% आंसर आ जाएगा, परसेंटेज चेंज इन ई रेडिएशन मींस एनर्जी पर सेकंड पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी रेडिएशन इंटेंसिटी। हाँ, 100 से मल्टीप्लाई करना है या वैल्यू पुट करना, 100 से मल्टीप्लाई करोगे 400% आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हमने किया, कोई बॉडी ठंडी होगी कितने मिनट में, ये असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट असाइनमेंट का पहला क्वेश्चन है, ये भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 7 करना है, क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्वेश्चन नंबर 7 में अ ब्लैक बॉडी एट टेम्परेचर गिवन, तो ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर गिवन है कितना, 1373 प्लस 273 एंड लैम्डा की वैल्यू 1.78 माइक्रोन, जो भी यूनिट्स हैं। टेम्परेचर ऑफ द मून निकालना है जब लैम्डा की वैल्यू कितनी है, 14 माइक्रोन। तो मुझे पता है कि वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ में लैम्डा इनटू टी इज अ कांस्टेंट, तो किन्हीं भी दो बॉडीज के लिए आप ये रूल लगा सकते हो। तो यहां से T2 कैन बी कैलकुलेटेड, आपको यहां पर सारी वैल्यूज गिवन है तीनों की तीनों, टेम्परेचर की वैल्यू यहां से आ जाएगी, केल्विन में आएगी, लेकिन ऑप्शन डिग्री सेल्सियस में है, माइनस 273 करना पड़ेगा एंड में, तो ऑप्शन नंबर इसमें सी आएगा। मेथड समझ में आ रहा है, लैम्डा टी का रिलेशन कैसे निकलेगा।
बुकलेट का पेज नंबर 18, ट्रांसफर ऑफ हीट पेज नंबर 18। इस क्वेश्चन को, एट्थ क्वेश्चन को करने से पहले पेज नंबर 18 पे आओ। देखो क्वेश्चन इज, प्लैनेट इज एट एवरेज डिस्टेंस डी फ्रॉम द सन, ये रहा सन और एक प्लैनेट, इसके डी डिस्टेंस पे एक प्लैनेट है, ठीक, ये रहा प्लैनेट, एंड सच दैट इट्स एवरेज सरफेस टेम्परेचर इज टी, तो टेम्परेचर इसका प्लैनेट का टी है। एज्यूम दैट प्लैनेट रिसीव एनर्जी थ्रू रेडिएशंस एंड टेम्परेचर टी जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी रेज टू पावर माइनस एन, तो आपको एन की इसमें वैल्यू निकालनी है क्या होगी, ठीक है यहां तक। अब इस केस में टेम्परेचर प्लैनेट का इज अ कॉन्स्टेंट, जो प्लैनेट है मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करता हूँ कुछ ऐसे कि डी रेडियस में एनर्जी जा रही है, जो सन है उसकी जो पावर होती है, पावर का मतलब जो वो एनर्जी एमिट करता है पर यूनिट टाइम, वो हमेशा क्या रहती है, कॉन्स्टेंट, ये नहीं चेंज होती, तो पावर कॉन्स्टेंट है। मेरे को एक चीज पता है कि जो सन है उसने कितनी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी बाहर निकाली पर सेकेंड, पावर जो है वो कितने एरिया में निकाली, वो 4π d² एरिया में निकाली, तो यानी कि 4π d² एरिया में सन की पावर कितनी पी है, इतनी एनर्जी पर सेकेंड बाहर आ रही है, ठीक, कितने एरिया में, 4π d² एरिया में। लेकिन ये प्लैनेट रिसीव कितनी कर रहा है, ये प्लैनेट साइज थोड़ा रिसीव कर रहा है, ये तो अपने सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल कर रहा है, कहने का मतलब इतने एरिया में इतनी एनर्जी पर सेकेंड जा रही है, पर यूनिट एरिया इतनी जा रही है, और हमारा जो प्लैनेट का सरफेस एरिया है वो कितना है, 4π r² है, और हमारे प्लैनेट को एनर्जी कितनी मिल रही है पर सेकेंड, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4π R², तो दिस इज द एनर्जी पर यूनिट टाइम रिसीव्ड बाय प्लैनेट, तो ये प्लैनेट क्या कर रहा है, इतनी एनर्जी को ले रहा है अपने एरिया के प्रोपोर्शनल। हाँ, सोलर कॉन्स्टेंट वाला ही किया बेसिकली, सोलर कॉन्स्टेंट यही तो था, पावर बाय एरिया सोलर कॉन्स्टेंट ये वो, तो ये इसमें याद नहीं करना पड़ेगा, सीधा आ गया। तो इतनी एनर्जी आई, और जो प्लैनेट है जो एनर्जी ले रहा है साथ के साथ अपने अंदर से एमिट भी कर रहा है, वो क्यों, क्योंकि उसका टेम्परेचर इज कॉन्स्टेंट, और बॉडी का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कब आता है, जितनी एनर्जी वो रिसीव करता है पर सेकेंड, उतनी एनर्जी जब वो एमिट करेगा, तो वो रिसीव कितनी कर रहा है, रिसीव कर रहा है पी 4π d² इंटू 4π कितना r² और ये प्लैनेट ये एमिट कितनी करेगा। देखो स्टीफन लॉ के हिसाब से ये जो प्लैनेट है, दिस इज यूनिट, इसके यूनिट क्या होंगे, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, एनर्जी पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, और प्लैनेट का खुद का एरिया कितना है, 4π r², तो ये क्या आ गया, इसके यूनिट्स क्या आ गए, एनर्जी पर सेकेंड, और इसके यूनिट्स भी क्या चल रहे हैं, एनर्जी पर बराबर हो गए, और क्या पता ये परफेक्टली ब्लैक बॉडी ना हो, प्लैनेट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसमें एमिसिविटी लगा दो, अगर है तो वन लगा दो, जो भी होगा एमिसिविटी होगी तो प्लैनेट की कॉन्स्टेंट, और क्योंकि प्लैनेट थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब इसका टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, जितनी एनर्जी पर सेकेंड आ रही है उतनी एनर्जी पर सेकेंड ये रेडिएशन की फॉर्म में भेज रहा है। तो यहां से जब सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या रिजल्ट आ रहा है सॉल्व करके, टी यहां से टेम्परेचर इज टू पावर 4 है, r² कैंसिल है, और ये डी की पावर 2 है, तो टेम्परेचर, और हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, टेम्परेचर और डी का रिलेशन गिवन है, तो टेम्परेचर और डी के रिलेशन में डी रेज टू पावर क्या हो जाएगा यहां पे, अगर मैं इसका हाँ तो इसमें 1/4 करूंगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, डी रेज टू पावर 1/2 हो जाएगा, डी रेज टू पावर -1/2 हो जाएगा, तो इसको कंपेयर करते हैं अपने रिजल्ट के साथ, तो एन की वैल्यू कितनी आएगी, 1/2 आएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है कि एन की वैल्यू हाफ कैसे आएगी, और यह हुआ क्वेश्चन है इसमें, ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट अगेन क्योंकि बार बार इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो अपने आप ही कॉन्सेप्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा, बट एक आइडिया क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा ऑब्जेक्टिव शीट 96 का, वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9,
रिपीट है वही एनर्जी ऑफ ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी इज पावर 4, अभी क्वेश्चन कर ही रहे थे, सेम है, इसको करने की जरूरत नहीं है। आप क्वेश्चन नंबर करो 10th, फिफ्थ का आंसर है, फिफ्थ का ए 9 मिनट्स। हाँ बी दिया हुआ है, अच्छा 9 मिनट्स कर लो प्लीज से, फिफ्थ का आंसर प्लीज बी ए कर लेना। देखो क्वेश्चन के अंदर एक चीज समझ लो कि जो हीट रेडिएट होती है पर सेकेंड, जो हमने क्लास में बुकलेट में न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग किया था वो यही किया था ना, कितनी हीट रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो इसको आर लिख लेते हैं, आर आर रेट ऑफ कूलिंग। तो आर पहले केस में आर वन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूम टेम्परेचर 20 है और बॉडी का टेम्परेचर पहले केस में कितना है 40 है।
दूसरे केस में आर टू है, बॉडी का टेम्परेचर कितना है 80 और रूम टेम्परेचर अभी भी कितना है 20, इन्हें डिवाइड कर लो, आर टू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ आर वन की वैल्यू ये आ जाएगी, और आर वन कितना है 45/3, कितना आ जाएगा 15 कैलोरी पर सेकेंड इज द आंसर। ठीक, दोबारा चेक करना है एक बार, उल्टा किया इसमें, उल्टा है दी लिक्विड, एक मिनट, व्हेन टेम्परेचर ऑफ लिक्विड इज 80 इट एमिट्स 45। अच्छा ठीक है, ऐसे कर लो, ये ना सीधा वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये कितनी है 45। अब ठीक है, अब डिवाइड कर लो, आर वन आ जाएगा। ठीक है, वो अब ऐसे कर लेना, आर वन कैन भी चेक कर लो, जरा आंसर आ रहा है आर वन का इसमें, इसे डिवाइड करके आंसर आ रहा है आर वन का कितना आ रहा है 15। चलो ठीक है, कर लो इसे करेक्ट कर लो, नहीं आ रहा होगा, हाँ तो मल्टीप्लाई करके आएगा इसमें कुछ, चेक करना, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि लिक्विड फील्ड है टेम्परेचर इसमें, व्हेन टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज 80 इट एमिट्स एट अ रेट ऑफ 45, व्हेन टेम्परेचर फॉल्स टू 40 रेट ऑफ हीट ऑफ लॉस विल बी इक्वल टू, कितना आ रहा है आर वन बताओ फिर, 135। आंसर नहीं है वो क्यों, हाँ डिवाइड करना है, आएगा ठीक है 15 आएगा, डन। ठीक, जो क्वेश्चन नंबर 11 है ना उसके अंदर आप सीधा एरर या लॉग वाले मेथड को यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 2% वैल्यू इज वेरी वेरी स्मॉल, 2% बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं अभी, बट वो एक्चुअल मेथड से इसलिए किया था बिकॉज परसेंटेज चेंज बहुत बड़ा था, इसके अंदर छोटा है, दैट इज ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी की पावर 4, तो डेल्टा ई बाय ई, सिग्मा इज अ कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज नहीं, 4 इंटू डेल्टा टी बाय टी, तो यहां से डेल्टा ई बाय ई की वैल्यू कितनी की बने, और 100 से इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 2% गिवन है, 4 इंटू डेल्टा टी, और ओरिजिनल टेम्परेचर क्वेश्चन में कितना गिवन है 300 केल्विन इंटू 100, तो यहां से डेल्टा टी की वैल्यू सॉल्व करके कितनी आ रही है 1.5। ऐसे करना, 2 कर लेना, ये इजी है।
देखो हाँ देखो ऐसे करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12th में सबसे पहले मास ऑफ आइस मेल्टेड पर मिनट, एक मिनट करेंगे तो 10 डिवाइडेड बाय 10, 10 मिनट है तो पर मिनट क्या जाएगा, एक ग्राम आ जाएगा, ठीक है। और अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, हीट रिक्वायर्ड पर मिनट, इसको पर मिनट करना पड़ेगा बिकॉज हीट रिक्वायर्ड क्या होता है ml, लेकिन हमें जो मास गिवन है ये पर ग्राम पर मिनट गिवन है, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, 1 ग्राम पर मिनट इंटू लेटेंट हीट क्या होता है 80 कैलोरी, यानी कि 80 कैलोरी पर मिनट हीट चाहिए मुझे, वो यूनिट्स कैलोरी में दे रहा है ना, अगर जूल में करना होगा फिर जूल भी करके देखेंगे, अगर कैलोरी में आंसर आता है तो ठीक है नहीं तो जूल करेंगे। तो इस केस में अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड, क्वेश्चन में निकालना है अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड। अब अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड देखो ना, रिक्वायर कितनी है, इतनी है, और किस में से आ रही है, किसी लेंस में से आ रही है जिसका एरिया आपको पता है पाई डी स्क्वायर बाय 4, क्योंकि उसका डायमीटर पता है। तो आप इसमें ऐसे करेंगे, इसमें अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड में जो भी 80 कैलोरी पर मिनट आया इसको लेंस के एरिया से डिवाइड कर देंगे पाई डी स्क्वायर बाय 4, तो चेक कर लेना आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यूनिट देखो ना, पर यूनिट एरिया भी तो है वो। आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है क्या होगी, तो इस केस में मुझे यह पता है E2 by E1 is directly proportional to temperature raised to power 4, ऐसी होगा ना, ये हो जाएगा। और टेम्परेचर का रिलेशन कैसे निकलेगा, λ1 × T1 = λ2 × T2, तो T2 by T1 = λ1 by λ2, तो यहां पर क्या पुट करेंगे, λ1 by λ2 का होल 4, λ1 λ2 पता है यहां से रेशियो आ जाएगी टेम ई के, ठीक ठीक, कोई डाउट इसमें। और लास्ट का आंसर तो सी स्टैंडर्ड है, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला है 96 और भी है 97।